दिल्ली में ही हिंसा में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपद्रवियों ने कैसा उत्पात मचाया होगा। हाल ही में हिंसा में मरने वाले लोगों में से 35 लोगों की मौत के कारणों का पता चला है। पुलिस के मुताबिक 22 की मौत पथराव या हमले की वजह से, जबकि 13 लोगों की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। अब तक के उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के दौरान 35 लोगों ने चोट लगने या अन्य कारणों से दम तोड़ा है। 13 लोगों की मौत गोली लगने से हुई है, वहीं 22 लोग चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इस हिंसा के दौरान मारे गए लोगों में ज्यादातर उम्र 20 और 30 के बीच की है। इससे पहले शुक्रवार को अमूल्य पटनायक की जगह SN श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर घोषित किया गया। दिल्ली पुलिस के अब तक 148 FIR दर्ज की है। 630 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें से कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा के लिए 7000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।